तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात और छत्तीसगढ़, ये चार सेमीफाइनलिस्ट टीम है जो 2019 के विजय हजारे ट्रॉफी में भिड़ेगी। जी हाँ, आपने तीन स्टेट का नाम तो पहले सुना होगा, बहुत अच्छा क्रिकेट प्रोड्यूस करते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर्स उनसे खुल के निकलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट है जहाँ से इमर्जिंग टैलेंट निकल रहा है, खासकर उसका श्रेय देना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रभतेज सिंह भाटिया जी की, जो वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। जी हाँ, हाल ही में उनकी जो 2016 में इंक्लूजन हुआ था BCCI में एज अ सेपरेट क्रिकेट एसोसिएशन, उनको उपाधि दी गई थी, लेकिन 2016 के बाद ऐसा क्या हुआ कि तीन ही साल में विजय हजारे के सेमीफाइनल में टीम आ चुकी है और वो जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं उनसे एस्पायर हो रहे हैं उनके क्रिकेटर्स, और डोमेस्टिक सर्किट में जो नाम है उनका भी दबदबा कायम हो रहा है। जी हाँ, प्रभतेज सिंह भाटिया जो अब BCCI के काउंसलर बन सकते हैं या ऑलमोस्ट इट इज़ ऑन द कार्ड, क्योंकि जो उनका नामांकन है, जी हाँ, वो एकदम अनअपोज्ड है, कोई भी विरोध नहीं करेगा, और 23 अक्टूबर को जब BCCI के चुनाव होंगे तो काउंसलर की भूमिका दिख सकते हैं प्रभतेज सिंह भाटिया। उनके जो फादर हैं वो भी क्रिकेट एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बलदेव सिंह भाटिया जी की, तो उन्हीं के बिग बूट्स फुल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर उनके पुत्र यानी प्रभतेज सिंह भाटिया जी की बात की जाए, तो उनके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें हमारी उनसे बातचीत हुई थी, एक इंटरव्यू हमने उनका लिया था, और हम उनसे पूछना चाहते थे कि क्या क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आगे क्या क्या उनके गोल्स हैं, क्या एम है उनके पास, और खासकर उन्होंने कहा था कि जो इंटरनेशनल सर्किट में जितने भी मैचेस हम होस्ट करना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस छत्तीसगढ़ के स्टेट, जाए आप रायपुर देख लीजिए, बिलासपुर देख लीजिए, ये मैच होस्ट करना चाहते हैं ताकि जितने फैंस हैं वो जुड़ सके इस ब्यूटीफुल गेम के साथ, और जितने भी यंग प्रोस्पेक्टिंग टैलेंट है वो एक बार, जैसे कहते हैं ना, उनका आइकन, उनका जितने भी फोर गॉडफादर्स हैं उनके सामने खेल सकें, तो इससे अच्छा किसी भी फैन के लिए, यंग क्रिकेटर के लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारी बातचीत में उनने जितने भी बयान दिए या जितने भी उनकी जो बातचीत हुई थी, वार्तालाप हुआ था, उसमें मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहला जो हमने क्वेश्चन से पूछा था कि जो उनके फोर उनके फादर रह चुके हैं, इतने अच्छे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनकी अगुवाई में कितना अच्छा किया है, अगर पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की बात की जाए, तो उन्होंने कहा था जी हाँ, इस बात से मैं बहुत ही खुश हूँ और सहमत हूं, लेकिन मेरे पास अभी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़े बिग बूट्स हैं फिल करने के लिए, और ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि जितनी भी अपेक्षाएं हैं, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो उस कसौटी पे खड़े उभर सकते हैं कि नहीं। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे एक्सपोजर देना पड़ेगा, जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं उनकी पे स्केल बढ़ानी पड़ेगी और उनको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी कि भले ही आप इंटरनेशनल सर्किट में अपना नाम नहीं कमा सके, लेकिन फिर भी आप क्रिकेट से जुड़े रहिए। जी हाँ, प्रोफेशनल क्रिकेटर के सामने एक सवाल बहुत जल्दी आ जाता है कि अगर वो पैसा नहीं कमा रहे हैं या उनके पास एक सिक्योरिटी नहीं है फाइनेंशियल, तो वो क्या कर सकते हैं। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि कोई कहीं वेंडर बन जाता है, कोई अपना बिजनेस खोल लेता है, लेकिन पर्टिकुलरली उन्होंने कहा था कि मुझे फाइनेंशियल उनको सिक्योरिटी देनी है ताकि ग्रूम हो सके और इमर्ज हो सके हमारे यहाँ से टैलेंट, क्योंकि आपको पता है जहाँ एक रिलीजन माना जाता है, भारत ऐसा देश है जहाँ पर क्रिकेट एक रिलीजन माना जाता है, वहाँ आप कहीं भी देख लीजिए कोने कोने से टैलेंट उभर के निकलते हैं, और कोई सचिन तेंदुलकर बनता है, कोई विराट कोहली बनता है, तो कोई जसप्रीत बुमराह बनता है। बस एक कहते ना कि जब एक हीरे की कदर जोहरी कोई होती है तो जोहरी का काम करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ प्रभतेज सिंह भाटिया जी की, वो जितना भी सोना, जितने भी चमकते सितारे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट से, उनको उभार के निकालना चाहते हैं। उसके बाद उनका जो मेन फोकस था, जो उनकी एम्फेसिस थी, उन्होंने कहा था कि मेरा भी बचपन से अटैचमेंट रहा है, मैं एज अ बैट्समैन खेलता था, हालांकि इतने बड़े लेवल पर उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो जानते हैं और चाहते हैं कि क्रिकेट एज अ स्पोर्ट ग्रो करे, क्योंकि जब भी आपका एक रिलेशनशिप रहता है किसी स्पोर्ट के साथ या किसी भी फील्ड में, किसी भी एक्टिविटी के साथ, तो आप चाहते हैं कि अगर जो मैं सक्सेस ना पा पाया वो कोई और पाए, और उनको सफल देखकर उनको उनसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं हो सकती। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा एक गोल रहेगा, बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि मैक्सिमम इंटरनेशनल मैचेस वो वहाँ पे होस्ट कराएं, वेन्यू पे होस्ट कराएं, चाहे रायपुर जैसी जगह हो या बिलासपुर जैसी जगह हो, ताकि छोटे छोटे जो कस्बों में या शहरों से लोग आएं, अपनी टीम को सपोर्ट करें, नेशनल टीम को खेलते हुए देखें, जीतते हुए देखें। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से रहेगा कि जो अपकमिंग रणजी सीजन्स हैं वहाँ पर उनका जितना भी जो इनका परफॉर्मेंस है वो उभर के निकले और टीम एक अच्छी दावेदारी पेश करे। आपको याद होगा मोहम्मद कैफ कप्तान थे, उनकी मोहम्मद कैफ ने अगुवाई की थी छत्तीसगढ़ की स्टेट टीम की रणजी में, वहीं जो एक बहुत ही सफल कोच रह चुके हैं, बात कर रहा हूँ सुलक्षण कुलकर्णी जी की, वो मुंबई से हेल करते हैं, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ की टीम को ग्रूम किया है, उनकी कोचिंग की थी हाल ही में, तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि अभी आप याद रखिए सिर्फ तीन ही साल हुए हैं। जी हाँ, 2016 में उनको इंट्रोडक्शन मिला था BCCI की तरफ से, एक सेपरेट उनको एसोसिएशन दे दिया गया था, उसके बाद 2019 तक उनकी जो उनका
सफर रहा है बहुत ही बेमिसाल रहा है, जहाँ 3 साल के सफर में आप विजय हजारे जैसी टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आप आते हैं, और अब देखना दिलचस्प रहेगा कि फाइनल और सेमीफाइनल में कैसे परफॉर्म करती है टीम। क्या पता ये टाइटल अपने नाम कर ले जाए, तो इससे अच्छा मोमेंट किसी के लिए नहीं हो सकता, चाहे मैं प्रभतेज सिंह भाटिया की बात करूँ या उनके फादर बलदेव सिंह भाटिया की बात करूँ या एज अ स्टेट पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूँ। अगर आपकी टीम अच्छा करती है, आपकी स्टेट टीम अच्छा करती है, तो हर एक नागरिक और हर एक खेल प्रशंसक को खुशी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।